हेलो गाइस, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं राइड द लाइफ चैनल। और आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लाए हैं जो कि है होंडा SP125, जिसमें यूट्यूब पर पहली वीडियो है जिसमें न्यू होंडा SP125 में एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। और इस एग्जॉस्ट में कितना का पड़ा, कैसे लगवाया, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है M4 एग्जॉस्ट के डिटेल वीडियो। तो मैंने तो पहले ही इसका जो साइलेंसर है वो कि यहाँ देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से कटवा रखा है साइलेंसर। और ये मेरा एग्जॉस्ट है जो कि मैंने मंगवाया था, और आपको भी मंगवाना होगा तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। बट ये मेरे को पड़ा 2700 यानी कि 2700 रुपये का। ये M4 का एग्जॉस्ट देख सकते हैं कि मैंने मंगवाया है। और इस एग्जॉस्ट को मैंने, आप कहीं भी अपने लोकल एरिया में जहाँ पे गैस वेल्डिंग होता है वहाँ से आप ये काम करवा सकते हो। तो मैंने सबसे पहले यहाँ से कटवाया अपना साइलेंसर जो कि पहले से ही आता है, उसको मैंने यहाँ से कटवा रखा है। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे वेल्डिंग करवा रखी है। और यहाँ के वेल्डिंग के बाद देखिए मैंने एक और वेल्डिंग यहाँ पर करवा रखी है जो कि यहाँ से कनेक्ट रहेगा आपका, जो कि यहाँ से आपका कनेक्ट है। और इसका साउंड भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो गाइस, आप लोगों को जहाँ भी आप ले गए होंगे, चाहे शोरूम में चाहे कहीं भी, तो आपको एक बात सुनने को मिली होगी कि आप अगर एग्जॉस्ट लगवाते हो, इसका जो कंपनी फिटेड जो एग्जॉस्ट है उसको आप हटाते हो तो आपका माइलेज में प्रभाव पड़ेगा, आपका पावर घट जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। और मैंने लगवा के अभी चलाई भी है, मैं इसको लगभग 2 महीने से चला रहा हूँ लगा के, और उसके बाद भी ना ही मेरा कोई पावर में कमी है और ना ही इसका माइलेज घटा हुआ है। तो ये बातें जो हमको सुनने को मिलती है ये बिल्कुल ही गलत है, और आप ऐसे बातों पर ध्यान भी मत दीजिए। चाहे 100 CC की ही बाइक की ना हो, हर गाड़ी में, हर बाइक में आप ये एग्जॉस्ट लगवा सकते हो। चाहे आप SC प्रोजेक्ट या कोई सा भी एलेकार्ट या कोई सा भी आप एग्जॉस्ट लगवा सकते हो, जैसे कि मैंने M4 लगवा रखी है, M4 एलेकार्ट। और इसकी साउंड क्या मस्त साउंड आती है इसकी, ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। और इससे मैं बताना चाहता हूं कि इसमें, इसको लगाने के बाद किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब इसमें आवाज़ भी मैं आपको दिखा दूँगा, सुना दूँगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका माइलेज, तो माइलेज मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं सिटी में राइड करता हूँ अपनी बाइक को, तो दिखा दूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एवरेज 55.7 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 55 से 56 किलोमीटर मेरा सिटी में भी माइलेज दे रहा है ये बाइक। और इसमें कोई माइलेज का कोई कमी नहीं हुआ है अभी तक के। और मैंने तो इसको 2 महीने से यूज कर रहा हूँ, 2 मंथ से मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे बाइक में ना पावर की कमी है और ना ही एग्जॉस्ट से माइलेज या किसी तरह के जो भी आप बात मार्केट में सुनते हैं वो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे कि मैं अभी आपको इसका साउंड सुना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बिना थ्रॉटल, जैसे कि आप देख रहे हैं बिना थ्रॉटल का मेरा ये साउंड आ रहा है अभी। और जब मैं इसको हल्का से रेव करता हूँ तो जैसे कि आप सभी ने अभी इस साउंड को सुन लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि इसका साउंड कैसा है। और मैंने इसका साउंड आपको सुना दिया है, और थ्रॉटल पे आप जब ये गाड़ी चालू रहेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा इंजन चालू है, बस इसका थ्रॉटल का मतलब एग्जॉस्ट साउंड आएगा। और ये एग्जॉस्ट मैंने कोई शहर चाहे
कोई सेंटर पे जाके नहीं लगवाया है, चाहे जहाँ बाइक मॉडिफाई होती है मैंने ये वहाँ नहीं लगवा रखे है, बल्कि मैंने ऑनलाइन ये प्रोडक्ट ख़रीदा। ऑनलाइन प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद मैं अपने घर पे मंगवाया, घर पे आया उसके बाद मैंने देखा मेरे जो करीबी मार्केट है, मैं करीबी मार्केट में गया और वहाँ मिल गैस वेल्डिंग का ये होता है, जो वहीं पे मैंने ये करवाया है। तो पहले तो देखिए इसका प्रोसेस ये होता है कि पहले तो आपका एग्जॉस्ट जो है, पहले से जो साइलेंसर आता है इसमें, वो यहाँ से खुलता है और खुलने के बाद ये निकलता है। या देखिए दो नट यहाँ पे होते हैं, एक इधर और एक इस साइड में, उसके बाद एक यहाँ पे होता है जो कि आपका पहले का साइलेंसर में होता है जो कंपनी फिटेड होती है। तो पहले यहाँ से खुलता है, उसके बाद नाप लिया जाता है कि कहाँ से कैसे होता है, उसके बाद फिर यहाँ से खोलने के बाद यहाँ से आपका जो पहले का साइलेंसर है वो यहाँ से कटता है, और कटने के बाद फिर ये यहाँ पे फिट करके देखा जाता है कि कहाँ पे ये सही लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कटवाई थी और यहीं से मैंने देख सकते हैं कि मेरा गैस वेल्डिंग हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अपना जो एग्जॉस्ट है वो मेरा यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब इसमें कोई ये नहीं है कि कम जुड़ता है, इसमें कोई मजबूती के भी कोई ये नहीं है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और उसके बाद मैंने फिर एक यहाँ से जो सपोर्ट के लिए होता है, सपोर्ट के लिए मैंने एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक सोल्डिंग मतलब वेल्डिंग करवा रखी है ये इस चीज़ से। और ये चीज़ भी मैं बताता हूँ गाइस कि ये है क्या। तो दोस्तों ये चीज़ है जो कि आप यहाँ पर डिक्की वगैरह लगाते हैं तो उसमें जो पत्ती इस्तेमाल होता है वही पत्ती है जो कि काट के छोटा किया हुआ है और उसी से यहाँ पर किया हुआ है। तो बस इतना ही प्रोसेस होता है दोस्तों। और तो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप एक बार और इसका साउंड सुन लें। तो ये इंजन देखिए मेरा स्टार्ट है और ये जो अभी साउंड आ रहा है ये नो थ्रोटल यानी कि बिना ये एक्सीलेटर लिए हुए है, और जब मैं इसका एक्सीलेटर लेता हूँ तो आप सुन सकते हैं। तो ये है इसका साउंड। और यहीं पे दोस्तों मैं अभी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। तो गाइस आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें, राइड द लाइफ चैनल। और अभी तो सिर्फ इसी का वीडियो है, अभी मैं इसका ओनरशिप या किसी चीज़ का वीडियो डेली के व्लॉग में आएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें और शेयर ज़रूर करें।